हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रैबिट अपना टॉयलेट क्यों खाता है। तो ये बहुत छोटा वीडियो है, प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए और जान लीजिए ऐसा क्यों करता है हमारा रैबिट। तो सबसे पहली वजह है कि आपने उसका फूड जो है वो चेंज कर दिया, यानी अचानक से अगर आप कुछ और लाते और समझे खरगोश वो नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अगर आप खुला छोड़ देते हो उसे, तो फिर मतलब वो अपना टॉयलेट खाएगा। अगर आप ऐसे मेरी तरह बंद रखते हैं तो उसे जो देंगे उसी से काम चलाना पड़ेगा। और रैबिट अपना टॉयलेट खाता है, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। वो बार बार खा के बाद में छोड़ देता है उसे, इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी वजह होती है कि आप अगर अपने खरगोश को अच्छे से डाइट नहीं दे रहे हो, यानी खाना तो आप देते हो लेकिन क्या करते हो, अच्छे से नहीं खिलाते, जिस कारण खरगोश भूखा रह जाता है और इस कारण वो अपना ही टॉयलेट करता है। ये दो वजहें होती है और इसका एक सॉल्यूशन भी है। आप अपने खरगोश की जो चीज़ें आपको उसकी नहीं पसंद तो वो मत डालिए, इससे क्या होगा, रैबिट अपना टॉयलेट भी नहीं खाएगा। यह एक सिंपल सा सवाल का जवाब है। प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे 2 लाख लाइक तक पहुंचा दीजिए वीडियो को, और बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन में मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ऐसे बताया। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करता है, और अगर कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता तो मेरा वीडियो डालने से कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही रहने देते हैं। मेरे खरगोश को भूख लगी है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, इन्हें खाना देते हैं।